सपना। समीर। अरे वाह, कैसे हो? एकदम बेस्ट। मैं तो इसलिए आया था कि भाई शादी हो गई, कम से कम लड्डू वड्डू तो खिला ही दिए होते। मेरे लड्डू की पड़ रही है तो? वो मुझे आज लेने आ रहा है मेरा हस्बैंड। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज तुम उसके पास शाम को ही मैं चली जाऊंगी। हाँ तो चली जाओ ना, तुम तो चाहती हो कि कभी भी मेरे से तुम्हारा कैसे भी बस रास्ता क्लियर हो। मैं आई थी कि आज मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, फिर मैं वहाँ सब सेटिंग कर लूँगी, फिर तुम्हें मैं वहाँ पे बुला लूँगी, ठीक है? तुम फिक्र मत करना, आज वो मुझे लेने आ रहे हैं, मैं कि तुम्हें जाकर बता। हाँ, मैं एक चीज़ सोच रहा था कि जब हस्बैंड आ रहे हैं तो एक बार मिलवा तो सकती ही हो। पागल हो रही हो, क्या बोलूँगी मैं? पहले मैं सोच तो लूँ, क्या सोच के मिलवाऊँगी? एज ए फ्रेंड मिलवा देना, नहीं तो कुछ और पता के मिलवा देना। अरे वो सिर्फ आएंगे और मुझे लेके चले जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं है उनके पास। चलो कोई नहीं, चले जाना, लेकिन कुछ भी कहो, साड़ी में ब्यूटीफुल काफ़ी लग रही हो। अच्छी लग रही है, इसीलिए तो सबसे पहले तुम्हें दिखाने आई हूँ। चलो अच्छा, कितनी देर में आ रहे हैं वैसे तुम्हारे हस्बैंड? पता नहीं, बोल रहे थे 4 बजे तक आ जाएंगे। चलो 4 बजने वाले हैं, मैं चलती हूँ। करते क्या है, अब तो पता पड़ गई होगी भाई, शादी हो गई। अरे तुम्हें अब क्या बताऊँ, मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है मैं तुम्हें बता नहीं सकती। धोखा? हाँ, मैं इतनी पढ़ी लिखी, सब कुछ, मैंने इतनी डिग्रियाँ ले रखी हैं, मुझे पता चला कि जिससे मेरी शादी हुई है ना, वो अनपढ़ गंवार है, अंगूठा टेक। और सिर्फ पिताजी ने उसकी प्रॉपर्टी के वजह से मुझे मेरी शादी कर दी। और बताते हैं कि लड़का बहुत संस्कारी है, ये है वो है, पढ़ा लिखा है नहीं, कुछ जानता है नहीं, संस्कार का क्या करूंगी मैं? सही बात है। और उस जमीन का क्या करोगी जब कोई फ्यूचर ही नहीं है, वो तो खेत में ही लगा रहेगा जिंदगी भर। बता नहीं सकती मैं कितनी परेशान हूँ। चलो परेशान मत हो, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ जाकर बुला लूंगी, फिर हम दोनों देखते हैं कि क्या करते हैं। मुझे उसके साथ नहीं रहना। ओके ओके, ठीक है, अभी मैं निकलता हूं, अभी मैं चलती हूं, टाइम हो रहा है आने वाला। नहीं निकल जाओ, क्योंकि बाय द वे अगर किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अपना ध्यान रखना है ना। तुम भी। चलो जी, चलो आ जाओ। अरे सुनो, बताओ। आ जाओ, अब कितनी दूर और है? बस जगह छोड़िए, अगला गांव हमारा है। और अब तुम एक काम करो। क्या? जगह में हमारे पापा की वो है, मुखिया बाजी, हमारे पापा मुखिया, तो जगह में उगाते है और आगे वाले में जाते है, तो तुम अब घूंघट कर लो। घूंघट? हाँ, घूंघट भी करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, देखो जी जल्दी कर लो और चलो फटाफट, आओ जल्दी, आओ आओ आओ, आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ। अरे भैया, राम राम भैया। राम राम घनश्याम लेवाल आया भैया क्या? नमस्ते। राम राम राम, नमस्ते। खुश रहो, खुश रहो लेवाल। हाँ भैया। अच्छा अच्छा, सही, बढ़िया, पहुंच गो भैया। पहुंच गया, वो इतनी दिक्कत आएगी, मैं लगा चुके बेगी ना। कैसे, काहे की दिक्कत आएगी? मैं गया रास्ता में। अच्छा, पिताजी ने गैल बताई। हाँ, मैं गैल भूल गया। आ तुम्हारा अभी तो बेटा काम गया, बागा में उसको अभी तो गैल ही भूलो, अभी तो जाने काका भूले हो। और ठीक ठाक हो जी? ताऊ जी। अच्छा, जेठ जी हैं तुम माँ के? अम्मी से बात करो। अच्छा अच्छा, बिजी रह गए। हम जेठ जी हैं तो हम ज्यादा बात ना करें, ऐसे आएंगे। अच्छा तो पहुंचो घर पर, का है गुड़िया? अरे भैया आ गए आप? भाभी को ले आए? नमस्ते भाभी, आओ दिखाओ, इसे भी मैं ले जाती हूँ। आओ चलो, तुम थक गए होंगे, आ जाओ। चल 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 चल। घनश्याम। हाँ पिताजी। ये बता लल्ला, तो कोई एक दिन ना हुआ है, पामरो लेके कहाँ जा रहो? खेत पे जा रहा हूँ अपने पे। खेत पे? और का? ऐसा बेटा, नहीं नहीं शादी भैया तेरी, बहुए कल बुला के लाओ बेटा, घर जाओ, ठीक है? खेत पे सब मैं भरवा दूंगा। ये बातें बात कर लो बाद में आके। मेरी बात सुन, घर पे जा, अभी बहू के पास रह बेटा, मैं खेत पे तो मैं भरवा दूँ, तू खेतन की टेंशन ले ही मत बिल्कुल। ताजी अगर पानी अलग हो तो मेरे धान ना होंगे, दिक्कत पड़ जाएगी बड़ी। ऐसा है, तेरे धान हुए जाएंगे, सब हो जाएंगे, तू घर जा, तू घर जा। हाँ घर जा। तो तुम लगवा दियो पानी? मैं लगवा दूँ। कह दियो रामपाल से, कह दियो अपने ट्यूबवेल में चला देगा। मैं रामपाल से कह दूँ, तू परेशान मत हो, तू जा। ठीक है ठीक है। बताओ यार, इसमें कब बुद्धि आएगी है? पढ़ी लिखी बहू आ गई है, शादी करवा दी है, बहू के पास रहना चाहिए, बताओ। भाभी 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 तो हाँ, इतना क्यों चीख रही हो? क्या मम्मी कह रही थी आपने खाना बना दिया?
खाना बना लिया? खाना किसने? तुमने? मैंने? मैं खाना क्यों बनाऊंगी? कौन बनाएगा? भाभी आप आई हो तो आप ही तो खाना बनाओगी। मैं क्या खाना बनाने आई हूँ यहाँ? इतने दिनों से मैं बना रही थी खाना, अब तो आप ही बनाओगी। इतने दिनों से बना रही थी तो आगे भी आप ही बनाओ खाना। मैं यहाँ खाना बनाने आई हूँ। तुम ही बनाओगी ना खाना? मैं खाना बनाऊंगी तुम्हारे यहाँ। यहाँ तो गैस है, इतने मतलब ये कच्चा जमीन है, मार्बल वगैरह कुछ भी नहीं है, एसी भी नहीं लग रहा, और ये कैसा क्या तूफानी पंखा वगैरह लगा रखा है। मुझसे नहीं होता ऐसा है ना, हम किसान लोग हैं ना, तो हमारे घर पे चूल्हे पे ही खाना बनता है। तो आप ही तो किसान हो ना। मैं तो इतने नाजो से अपने पापा के घर पली हूँ, मैंने एक गिलास पानी भी उठाकर नहीं पिया। आप मेरे तो खाना बनाने क्या होगा ना, ससुराल में तो काम करना पड़ता है भाभी। मैं नहीं करूंगी। तुम किस लिए हो? तुम किस लिए रह रही हो? मैं तो पहले भी काम करती थी ना, अब भी करूंगी। अब क्या है, मैं क्यों करूंगी? मतलब मैं क्या नौकरानी हूं? भाभी आई है तो हमें कोई भाभी का सुख नहीं मिलेगा? क्या सुख मिलेगा? भाभी आई है तुम्हें तो खुश होना चाहिए, इतनी सुंदर भाभी मिली है तुम्हें। तुम्हारे गांव में ऐसी कोई लड़की नहीं होगी मेरे जैसी। तू सुंदरता ही देखते रहेंगे तुम्हारी, तुम काम नहीं करोगे। ज्यादा जवान चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम्हें यहाँ रहना है तो काम करना पड़ेगा, वरना अपने पिताजी से कह दो तुम्हारी शादी करके तुम्हें दफा करें यहाँ से। फिर कौन करेगा घर का काम? तुम करोगी। जब तुम खाना बनाओगी ना, मैं खाना बनाऊंगी, तुम्हें ही बनाना पड़ेगा खाना। मुझे खाना पड़े? कितना मुंह चलाती है ये, आने दो तुम्हारे भैया को, उन्हीं से बताऊंगी मैं। ठीक है जाओ। अरे गुड़िया। भैया नमस्ते। भैया राम राम। और खुश रहो गुड़िया? और बढ़िया। राम राम, काहे के खुश रहे? क्यों, क्या बात है? जब से भाभी आई है ना घर में, हमारा तो रहना दुश्वार हो गया है। गुड़िया मैंने इस बात के लिए पहले कहा था, कही थी नहीं कही थी कि तेरे पिताजी जबरदस्ती वहां करके आए, और मैंने बल्कि उनसे उस दिन मना किया था। मैंने कि देखो ताऊ, यहाँ मत करो तुम अपने लड़के का विवाह, मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देख के वहां करवा दूंगा, पर यहाँ मत करो। भैया तुम सही कह रहे हो, अब आप ही बताओ मैं घर का काम करूँ बाहर का काम करूँ? अब तो घर में खाना भी सब काम मुझे ही करना पड़ेगा। वो बात मैं समझ रहा हूँ कि घर पे खाना पीना सब तुम्हें करना पड़ रहा होगा, वो तो मुझे मालूम है। देखो बहू पढ़ी लिखी है वो, और वो गांव के रीति रिवाज नहीं समझेगी, मैं तुम्हें बता दूं साफ बात। उसे तो कुछ भी करना नहीं आता है घर और में। और तो और तुम्हारा भैया है अल्लड़, तो वो कुछ कहेगा नहीं, ठीक है? वो अगर जैसे कहेगी ना कि यहाँ चल, तो वो वहीं चलेगा, चाहे वहाँ भोला बिछ रहे हो। बहुत भोले हैं भैया हमारे। हाँ जब ही तो वो भोला पानी मान ले। और वो पिताजी से कहा था कि लड़की ऐसी देखो जो कम पड़ी हो। मालूम पड़ रही होगी उन्हें, मालूम पड़ेगी, गारंटी है। लिखी बहू लेकर आए घर में कुछ भी काम नहीं करती। सही है, सही है। और क्या जो करो, अब क्या करनी पड़ेगी? मुझे तो लगता है वो घर में टाइम पास के लिए आई है। टाइम पास के लिए नहीं। अच्छा भैया मैं पानी ले आऊँ? तू ले आ। और तो और गुड़िया मैं बताऊँ तुझे, देख जितनी भी ये जो जमीन जायदाद है ना, जिस सब और बांध बूंद के सब ले जाइए। ऐसा कैसे हो जाएगा, मैं पिताजी को समझाऊंगी। अरे हम कह रहे हैं अगर ना ले जाए तो कुत्ता जाए वहां। ठीक है मैं पानी ले आऊं, फिर मैं खाना भी बनाऊंगी। ठीक है बनाओ, खाना भी बनाओगी, पानी भी लेके आओगी, खवाओगी भी उसे। और तो और क्या करोगी बताना तुम। अरे इनसे पूछता हूं। भैया नमस्ते। नमस्ते राम राम। कैसे हो? वो टुंडा मुखिया जी का घर देखा है आपने? टुंडा मुखिया जी जी का फिल्म बनाने आयो का? नहीं नहीं भैया। हीरो लग रहे हो। नहीं नहीं हीरो नहीं है, वो ऐसा है उनके घर में मेरी सिस्टर की शादी हुई है। तुम्हारी बहन जी है उस घर में? हाँ हाँ। झूठ बोल रहे हो? क्यों है? झूठ क्यों बोलूंगा मैं? अच्छा अच्छा, टुंडा मुखिया जी जिनके बेटे की शादी अभी हुई है फिलहाल में, अल्लड़ बेटा जो है घसगुच्चा। कैसी बात है? तुम्हारे जीजा जी है वो? हाँ तो ऐसी बात है। जीजा जी है तुम्हारे वो? अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर है तो तुम है उनके यहाँ आयो तुम्हें? जी जी जी। भाई बहन जी है वो तुम्हारी? हाँ हाँ। तो घर जाना उनके तुम्हें? हाँ हाँ। तो चलो हम पहुँचा। थैंक यू भैया। आओ आओ। चलिए देखो कभी ऐसा काम देखा? हाँ, नहीं देखा। ट्रैक्टर देखे? नहीं देखे। भैंसिया देखी? भैंसिया नहीं, दूध पिया है। पर भैंसा देखे? भैंसों का नहीं, भैंसा नहीं देखा, लेकिन भैंस देखी है, भैंस का दूध पिया है ना मैंने। पामरो? वो क्या होता है? पामरो नहीं, होता क्या है मतलब, क्या करते हो? और दिखाऊं तुम्हें? इधर आओ। नहीं करते क्या उससे? खुरपिया दिखाऊं? खुरपिया खुरपिया दिखाऊं? बसूली दिखाऊं? बसूली? भैया देखिए आप प्लीज, अगर पता बता रहे तो ठीक है, नहीं तो आप मेरा दिमाग तो खराब कीजिए मत। मैं जानता हूँ कि आप अनपढ़ है, गवार है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे बेवकूफ समझेंगे। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, अगर बता रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं चलता हूँ। नहीं नहीं लुल्लुड़ी दिखाऊं? अच्छा अच्छा चलो, गुस्सा है तुम। मैं बताऊँ, सुनो ऐसा है मुखिया जी से क्या है, मेरी चल रही है लड़ाई। अच्छा अच्छा, तो क्या करूँ बताइए। ठीक है अब मैं बताऊँ, मैं मुखिया जी के घर तो जाऊँगा नहीं, पर हाँ तुम्हें यहीं से रास्ता बता देता हूँ, तुम चले जाना। हाँ इतना कर दीजिए प्लीज। देखो सामने गली जा रही है? हाँ जा रही। सामने जाके सीधे हाथ में मुड़ना। ओके राइट हैंड मुड़ गया। सीधे हाथ में मुड़ने के बाद में आगे जाना। चला गया। आगे जाके पड़ेगी पुलिया। पुलिया क्या होती है? पुलिया। अच्छा ब्रिज?
ब्रिज, ओवरब्रिज, क्या 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 बोल रहे हमारे यहाँ पे ओवरब्रिज मतलब पुल, पुल पुल नहीं पुलिया, अच्छा छोटी सी होती है पुलिया, पुलिया और पुलिया के पास में पड़ता है खोका। चलो ठीक है, खोका, खोका किस चीज का होता है? खोका होते हैं गुटखा पान तंबाकू सिगरेट, ये खोका तो मैंने देखा है खोका। अब खोका के पास जाने के बाद में वहीं पे पतरी गली पड़ती है, पतरी गली में नहीं जाना ना, चौड़ी वाली गली में जाना, और चौड़ी वाली गली में जाके सबसे एंड वाला घर ताऊ का ही है, पूछ लेना जाए। ठीक है, मुझे पूछने की जरूरत नहीं, मैं अपने आप ढूंढ लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद, धन्यवाद, आप जैसे देवता का आशीर्वाद पाके मैं धन्य हो गया। बिल्कुल आशीर्वाद। घर तो यही बताया था, मंदिर भी है, यही होगा शायद। अरे कोई है घर पर? कोई है? कोई नहीं लगता। नमस्ते, मैं लाडपुर से आया हूँ, गंगा पार से। गंगा पार से? सपना, सपना की शादी इसी घर में हुई क्या? हाँ हमारी, हाँ, हाँ, हुई है, वो हमारी भाभी हैं। हाँ तो मैं उनका भाई हूँ, तो मैं, मैंने तो आपको देखा नहीं था। मैं उस टाइम ऐसा था, शादी के टाइम पे मैं यहाँ था नहीं, बैंगलोर रहता हूँ ना मैं, तो अच्छा, अभी मुझे, हाँ अभी मुझे पता पड़ी कि उनकी शादी इसी गांव में हुई, तो मैंने सोचा चलो जाके मिल लिया जाए, शादी में तुम्हें आ नहीं पाया। चलो कोई बात नहीं, हमारे लिए तो खुशी की बात है। चलिए ठीक, आइए मैं आपको भाभी से मिलवाती हूँ। थैंक यू। काफी अच्छा घर है आपका वैसे। घर बढ़िया लगा आपको भाई? काफी। भाभी, भाभी क्या हुआ? देखो ये कोने से मिलो। समीर, हाँ। आगे तुम? हाँ आ गया बस। भाभी, हाँ ये मेरे भाई हैं, मामा जी का बेटा। हाँ मामा जी के बेटे। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं रास्ते में? नहीं कोई ऐसी, नॉर्मल नॉर्मली लोग तो मिलते हैं आज, तुम्हें तो पता है कि आजकल के लोग, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? अरे क्या बताऊं, एक मिल गया था, पता नहीं क्या था क्या नहीं था, मैं तो ये देख रहा था कि इंसान भी है या कोई और है, ये समझ लो इतना पागल और मेंटल केस था कि मैं, मेरा पूरा माइंड डिस्टर्ब कर दिया, कभी इधर घुमा रहा है कभी उधर घुमा रहा है, फिर लास्ट में हार के मैंने भैया आप घर तो मिल गया ना, तुम थक गए होंगे, आ जाओ। चलो चलो अंदर आ जाओ। गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया क्या बात है भाभी? अरे बात कुछ नहीं है, तुम्हें तो पता है मेरे मामा का लड़का आया हुआ है। हाँ आए तो थे। हाँ तो वो बहुत थका हुआ है, जब तक वो रेस्ट कर रहा है, घर में कुछ है नहीं, तुम कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तुम्हें पता है वो विदेश से आया हुआ है ना, चाय वगैरह वो नहीं पीता, तो इसलिए तुम बाहर से जाके थोड़ा सा नाश्ता ले आओ उसके लिए, जब तक मैं थोड़ा खाने की तैयारी करती हूँ, है ना? ठीक है भाभी, आप चिंता मत करो, जल्दी आना है ना, मैं सभी नाश्ते का सामान लेकर आराम से लेकर आना, है ना? हाँ, सब ले आओगी ना, समझ गई ना? हाँ सब ले आऊंगी, ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ ना। कर लो तैयारी। ठीक है। गुड़िया भैया आप? राम राम। राम राम। राम राम गुड़िया, और बढ़िया है? भैया सब बढ़िया है, वैसे तो घर में कैसे उदास उदासी कैसी है? क्या बात है, बात का है? उदास नहीं हूँ मैं, दुकान पे जा रही हूँ। हाँ हाँ। आज घर में हमारे में रिश्तेदार आ गए। अच्छा, भाई भाभी है ना? हाँ हाँ। उनके भैया आए हैं। भैया आए हैं तो घर में घूमने आए हैं, तो उनके लिए खिलाने पिलाने के लिए सामान लेने जा रही हूँ ना मैं। भैया एक मिनट, उस लड़की का तो कोई भाई नहीं है, क्योंकि वो रिश्ता मैंने कराया और मेरे सामने सारी बात हुई है, उस लड़की का कोई भाई नहीं है, लेकिन होगा ये नहीं पता कि भाई है जने कौन है, तो तू सेवा पानी करने में लगी हुई है, तो बेटा एक बात बताऊं, सेवा पानी ही करोगे जिंदगी भर, कोल्ड ड्रिंक पिलाओगे बाबू, अभी ना जाने क्या क्या अगर वो मांगेगा ना, तो वो भी चीज खिलवाओगे तुम, क्या कह रहे हो? अब क्या करें भैया, रिश्तेदार हैं घर में आए हैं, तो उनका सम्मान तो करना पड़ेगा। अरे रिश्तेदार हैं तो मतलब ऐसे हो जाएंगे, अरे वो लड़की का सगा भाई थोड़ी है, सगा भाई होता तो कुछ रिश्ता निकल के भी आता तो बढ़िया, हम सेवा पानी भी करते। सगे भाई नहीं है, सगे भाई से बढ़कर है, उनके मामा के लड़के हैं वो। अरे जो करो करो करो, ठीक है मैं जाओ जाओ जा रही हूं जाओ। अरे बर्बादी चालू है, वैसे कुछ भी कहो, घर बहुत अच्छा ढूंढा है तुम्हारे पिताजी। अरे क्या खाक अच्छा ढूंढा है, खैर छोड़ो, अब तुम यहीं रहोगे, चिंता मत करो, अब मैं सारी सेटिंग बना लूंगी। नहीं वो तो मैं जानता हूँ कि तुम मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो, मामा का भाई हूँ, ये है वो है, बहाना तो अच्छा बनाया। देखो बहाने बनाने पड़ते हैं कि जब किसी को चाहते हैं ना, तो उसके लिए सब कुछ करना पड़ता है, थोड़ा झूठ भी बोलना पड़ता है, और मैं तो तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारे लिए दुनिया के सारे झूठ बोल सकता हूँ। कोई बात नहीं, अब हमें ये सोचना है कि हमें यहाँ पे मतलब कैसे अपनी जगह बनानी है, मतलब तुमको किस तरीके से घर में जमाया जाए। तुम्हारे पास कोई आइडिया है? आइडियो का भंडार है मेरे पास, चिंता क्यों करती हो, अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी धीरे धीरे देखो आगे आगे होता है क्या, क्योंकि मेरे दिमाग में एक बहुत ही
खतरनाक आइडिया है कि मैं यहाँ रुकूंगा भी और मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। यही तो चाहती हूँ मैं, बस मेरा साथ तो मगर देती रहो। अरे तो, तुम्हारे साथ के लिए ही तो बनी हूँ मैं, तो बस ऐसी बात कर रहे हो। बस तुम टेंशन मत लो, आगे का काम मेरे ऊपर छोड़ दो कि मुझे क्या करना है। बस एक एक करके बस मेरा सबसे इंट्रोडक्शन कराती रहना, जिससे कि मुझे चिंता मत करो कुछ क्रिएट करने में प्रॉब्लम ना हो। ये सब लोग गमा रहे हैं, इनके पास इतना दिमाग नहीं है, इनको तो जैसे मैं चलाऊंगी ना वैसे चलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, वैसे कमार होने का सबसे ज्यादा फायदा मैं ही उठा रही हूँ। नहीं वो तो अच्छा है, लेकिन एक चीज मुझे बताओ, क्या तुम्हारी नंद कितनी देर में आएगी? नंद? अरे मैंने उससे बोला है, वो आने वाली ही है। आने वाली है मतलब कि अभी कुछ नहीं? चलो कोई नहीं। अरे उसका क्या है, उसे तो मैं दिन में 10 बार भात भेज दिया करूंगी। अरे फिर तो जैसा मैं बोलूंगी वो वैसा ही करेगी। फिर तो ये समझ लो, फिर तो चलो बहुत कुछ हो सकता है। आओ चलते हैं। ऐसे कुछ भी कहो, तन्हाई की ये पल एकदम। अरे आगे आओ। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। आगे आओ। हाँ आगे जी। जी कौन है? अरे ये इनसे तो मैं मिलवाना भूल ही गई आपको, ये मेरे मामा जी के लड़के हैं। अच्छा सर, राम राम सर, राम सर, नमस्ते। ये तुम्हारे जीजा जी हैं। अरे वाओ, ये तो काफी अच्छी है ना, हैंडसम है ना, काफी लगते हैं ना एकदम मस्त। अच्छा इनकी मूंछें, अच्छा एक बात बताइए, इनकी मूंछों पे तो बिलावली है। अच्छा एक बात बताइए जीजू, आप वर्क वर्क क्या करते हैं, मतलब काम धंधा? काम का साहब वो ये अपने खेती बाड़ी का काम है भाई। काम का काम है हमारे यहाँ, कुछ काम करते हैं, इनको काम करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब हमारे मतलब खेत में ले जा रहे मजदूर ला रहे हैं, काफी जमीन वमीन हम पे बस ठेकेदारी है। हमारे पापा ने कह रखी बेटा संभालो अपना खेत। वेरी गुड, ये यही होना चाहिए। देखिए मैं तो ये चाहता हूँ बिजनेस में हमेशा बढ़ोतरी रहे, तो इससे बेटर और यही होता है बिजनेस में बढ़ते रहो। जी जी कैसे भैया, ही खातेदारी करी ना करी। हाँ वो वही बुढ़िया गई है, जब तक मैं इनकी मैं इनको अपना घर दिखा दूँ। गुड़िया। अरे पिताजी। बेटा जी कल ले जा रही है पेप्सी फेप्सी से। ये वो आए हैं ना हमारे घर में रिश्तेदार, हमारी भाभी है ना, उनके दूर के मामा के लड़के आए हैं। मामा की लड़की? बाको तो कोई रिश्तेदार ना बेटा, हमने तो देखो ना आज तक ना भैया भैया देखे बाकी। मुझे तो नहीं पता, वो आज ही आए हैं थोड़ी देर पहले ही। अच्छा भाभी बोल रही थी कि वो चाय वगैरह नहीं पीते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं ना, कोल्ड ड्रिंक नमकीन बिस्किट ऐसी चीजें लेकर आई हूं। ठीक है, हमें तो आज तक ना बताई चौधरी साहब ने, और कुछ छुरा हुआ उनको? चलो पूछेंगे उनकी रिश्तेदारी में। चलो मैं तो घर ही जा रही हूँ पिताजी। ठीक है जा। कौन सुना भैया? आगो भैया चौधरी साहब से पूछता हूँ। कब तक यार ऐसे चलेगा मान लो। ये क्या है? कुछ नहीं बस ऐसे बातें कर रहे थे। मैं इसकी जैकेट में पता नहीं निशान था लग गया, पता नहीं ये क्या हो गया। आगे जैकेट साफ कर रही है, गले में हाथ डाल रही थी, आप गले में हाथ नहीं डाल रही थी, जैकेट साफ कर रही थी मैं। देखो भाई बहन का रिश्ता तो मैं भी समझती हूँ, मगर तुम ये लोग कर रहे थे ना ये अच्छा नहीं है शायद। अच्छा अब तुम समझाओगी मुझे अच्छा बुरा? और कौन समझाएगा? सामान मंगाया था मैंने, ले आई। हाँ सब ले आई हूँ मैं सामान वगैरह। आओ तो ये मुझे दो और आओ मेरी हेल्प कराओ। चलो मैं हेल्प कराती हूँ। जुबान ज़्यादा चलती है इसकी, कहीं ऐसा ना हो इसी की जुबान सबसे पहले बंद करना पड़ेगी। भाभी। हाँ बोलो। मैं बोल रही थी ये आपके जो भाई आए हैं ना कल, हाँ, आए थे जो, उनको आज खिलाओ पिलाओ आराम से सुलाओ। मतलब कल उन्हें इस घर से विदा कर देना तुम। ये तुम क्या बोल रही हो? क्योंकि उनके आचार विचार मेरी समझ में नहीं आए। अच्छा तुम्हें आचार विचार समझ में नहीं आए, मतलब तुम मेरे भाई को यहाँ से जाने के लिए बोल रही हो? अरे अगर होती कौन हो? उनके अच्छे आचार विचार होते तो मैं उन्हें घर में भी रख लेती। अच्छा तुम रखोगी घर में? वो कहीं नहीं जाएगा, वो इसी घर में रहेगा। वो इस घर में नहीं रहेगा। जाओगी तो तुम इस घर से। सुनो मेरी बात तो सुनो। मुझे कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी। इस घर में ये सब नहीं चलेगा, समझी आप? होती कौन हो? इस घर की बेटी हूँ मैं। बेटी नहीं हो तुम, ये तुम्हारा घर नहीं है, समझ में आई या नहीं? तुमसे पहले ही मेरा घर था। अरे तुम्हारा घर था, तुम्हारा घर था तो अभी भी है। दिना अपने भाई के लिए मुझे क्यों बुलाया? मैं क्यों रहूंगी अपने भाई के लिए? रहूंगी, मुझसे ज्यादा जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, समझी? अच्छा हट, मुझे अंदर जाने दे। कैसी भाभी है, समझाओ कुछ भी और कुछ भी। सपना, सपना। समीर आ गई तुम? यार एक नई प्रॉब्लम हो गई है। मुझे तुम्हारे चेहरे से ही पता लग रहा है कि किसी टेंशन में हो तुम। अरे वो गुड़िया है ना, उसे यार हम पे शक होने लगा है। अब मुझसे ऐसी बातें बना रही थी, बोल रही थी इसको यहाँ से विदा करो, ये है वो है। अभी तो मैंने उस पर
मतलब मैं उस पर हावी होगी, उसको डांट लगा दिया, लेकिन अगर इसने अपना मुंह खोल दिया तो इसका कुछ करना पड़ेगा। सर बोल क्या रही है? वो ये बोल रही है कि मतलब भाई बहन का रिश्ता नहीं है तुम्हारा, मतलब वो हम पे शक कर रही है, उसे पता चल गया है। तो क्या करूँ फिर मैं यहाँ से जाऊँ? तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मुझे यहाँ छोड़ के नहीं जा सकते, मैंने तुम्हें यहाँ भेजने के लिए थोड़ी नहीं बुलाया है। मतलब कि अब कोई ऐसा आइडिया लगा लो कि इसका मुंह बंद कर सकें हम। मुंह तो बंद कर दूंगा लेकिन खतरा है, समझ लो। खतरा तो है लेकिन अगर हमें अपना खतरा दूर करना है ना तो इसको हमें अपने रास्ते से हटाना ही होगा। रास्ते से तो मैं इसे हटा दूंगा, लेकिन एक बात याद रखना कि काम तुम्हें करना पड़ेगा। देखो मुझे, तुम चिंता मत करो, जहर की बुढ़िया मैं तुम्हें लाके दे दूंगा। जहर? ये तुम क्या बोल रहे हो, मारना वरना नहीं है उसे, कुछ और आइडिया निकालो। कुछ और आइडिया? आ गया है याद, बट मैं ये आइडिया करके दिखाऊंगा, बता के नहीं। आ जाओ गुड़िया। बेटा गुड़िया। जी पिताजी। सही है बेटा? क्या सही हूँ, घर में तो कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। घर में अच्छा नहीं चल रहा है? अब हाँ। क्या होगा घर में? और तेरी भाभी भी ले आया मैं तेरे लिए। अरे भाभी तो ले आए, साथ में उनका भाई आया है ना, मैं सामान लेकर आ रही थी दुकान से। हाँ। वो आपको मैंने नमकीन बिस्किट वगैरह। हाँ। तो मैं आ ही रही थी, मैंने देखा एक दूसरे के गले में हाथ डाल के खड़े थे वो। अरे ये तो भाई बहन का। नहीं पिताजी, मैं जानती हूँ भाई बहन का प्यार क्या होता है। अच्छा हाँ, वो पता है तुम्हें? वो कह रही थी कि तुम चुप रहा करो तुझसे। हाँ, इस घर से तुम्हें निकलवा दूंगी, ये करवा दूंगी, वो करवा दूंगी। बात करता है अभी, देख कहाँ ये बुलाऊ, जब बुलाया को ठीक है पिताजी, अंदर जाके अभी भेज दूंगा को। आओ जो भैया भागो, चल ना मैं देखूं इसे। बहू बहू क्या हुआ पिताजी? क्या हुआ पिताजी? कैसे ये बताओ बहू। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बहू। देखो तुम्हारे भाई को आए हुए पूरे 8-10 दिन हो चुके हैं, और हम चाहते हैं अब तुम अपने भाई को यहाँ से भेज दो। भेज दो? ये क्या कह रहे हैं आप पिताजी? क्या कह रहे हैं? ऐसा है बेटा, देखो मायके से कोई आने वाला व्यक्ति ज़्यादा दिन अपने वहाँ रहता नहीं है, अपनी बहन के यहाँ, और तुम्हारा ये भाई ये तो खुद भी ममेरा भाई है। अरे पिताजी ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, मैं तो इसका एडमिशन इसी गांव में कराने वाली हूं। मेरी बात सुनो, गांव में रहने से मुझे बहुत हेल्प मिलेगी पिताजी। कोई हेल्प की जरूरत नहीं है, हम है ना गुड़िया है हमारा लड़का है। ऐसा कुल मिला के मेरी बात सुनो, अपने इस भाई को अपने गाँव भेजो, यहाँ कोई जरूरत नहीं है। पिताजी मैं इसको नहीं भेज सकती, मेरे साथ यही रहेगा। भेज नहीं सकती? नहीं बेटा, ये क्या बात कर रही हो तुम, ये घर हमारा है। और हम, मेरा घर नहीं है ये पिताजी, ये तुम्हारा भी घर है, लेकिन हम ये जाएगा तो मैं भी जाऊंगी, अगर मैं रहूंगी तो ये भी रहेगा पिताजी। अब आप सोच लीजिए कि मैं इसके साथ जाऊं या इसे साथ रखूं। मतलब तुम अपने भाई से पल्लू से बंधी हुई हो या फिर अपने पति के पल्लू से? भाई से नहीं, मैं बस अपने भाई को अपने पास ही रखूंगी। अपने भाई को? ऐसा है तो दहेज में लेके नहीं आई तुम अपने भाई को? दहेज में लेकर नहीं आई मैं, दहेज में बहुत कुछ लेकर आई थी पिताजी। कुछ भी लेके आई सही, समझे? लेकिन अब तुम्हारा भाई आने आएगा, तुम मेरे साथ अंदर चलो। देखा पिताजी, मैं कह रही थी ना इन दोनों के चांचल अच्छे नहीं लगते मुझे। बेटा हम तो बड़े बुरे फंस गए। ठीक कह रहे हो पिताजी, वो भैया कह रहे थे ना, वो ठीक ही कह रहे थे। हमसे कह रहा था, सही कह रहा था कि मुखिया जी ज्यादा पढ़ी लिखी बहू सही ना है, फिर वो हमें पढ़ा देगी। जी भाभी के चांचलन भी ठीक नहीं लगते। चलो बेटा, देखा था कुछ ना कुछ उपाय होगा। जाओ तुम्हारे संग पानी भरवाने में भी बड़ा आनंद है, क्योंकि मान लो अगर इस गांव में अगर तुम्हारे साथ मुझे थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड करने को मिलता है तो मेरे दिल को बड़ी खुशी होती है। इसी बहाने से, पानी के बहाने से, ये तो बहाना था थोड़ा सा तुम्हें अपने गांव की शैर करा दूं। अरे वाह। और घर में भी ना कभी ना कभी कोई ना कोई आ ही जाता है। क्या बात है? क्या बात है? कुछ बात नहीं है। यहाँ क्या कर रहे हो तुम दोनों? अरे पानी भरने आए हैं, दिख नहीं रहा आपको? तुम्हें पता नहीं है गाँव है, गाँव में ऐसे लड़की के पास खड़ा हो ना, घर में रहो। ये मेरा भाई है। शांत रहा करो, गाल कम बजाओ के भाई है, दूर से देख रहा था क्या चुपका चुपकी कर रहे थे भाई। क्या देख रहे थे आप? तुम्हारा तुम्हारा असली भाई है ये? मेरा भाई हो या मेरा आशिक हो या कुछ और हो, तुम कौन होते हो? आशिक? हाँ सुन लिया ना, कौन हूँ मैं इनका? आशिक। तो बस अपनी हद में रहो। क्या आशिक है तुम्हारा? कुछ भी हो मेरा तुमको मतलब? अरे हाँ, अपना काम करो। और सुनो, हम दोनों प्यार करते हैं, जिस पे जो किया जाए वो कर ले। प्यार करते हैं? हाँ। तो गांव में प्यार नहीं होगा? गांव में ही होगा बेटा। अभी क्या, अभी तो देख आगे आगे क्या क्या होगा। क्या प्यार के अलावा बहुत कुछ होगा।
तुमने तो पूरी मतलब मुखिया जी की पूरी चौपाट कर दी। ऐसी कर दी। और सुन इधर देख के, अगर ये बात तूने किसी और से कही ना तो एक बात याद रखना, तेरे शरीर में जान नहीं रहेगी। पानी भर लेते हैं। अरे भगवान, ओ भगवान, आगे आप आगे जी कैसे नाराज सी रही हूँ, क्या बात है? मेरा तो इस घर पे कोई हक ही नहीं है ना। सुना है पूरा घर तुम्हारा ये है और मेरा होता तो इस तरीके के, आपको पता है आपके घर वाले कितना मेरे भाई को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं, इससे अच्छा तो मैं यहाँ से चली ही जाऊँ। क्या हुआ, कोई बात हो गई? मेरा क्या? भाई कितना सीधा, वो कितनी मदद करता है पता है, आप चले जाते हो वही मेरा ख्याल रखता है। आपको तो, आप तो हमेशा अपने खेतों में लगे रहते हो। तो कोई बात होगी, हमें बताओ, मगो समाधान निकालेंगे। अरे वो आपके पिताजी हैं? हाँ। दीदी हैं, वो बोल रही हैं कि ये तुम्हारा भाई नहीं रहेगा यहाँ पे, मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हैं, निकल जाने को बोल रहे हैं। अरे ऐसे कैसे बोल रहे हैं? चिंता मत करो, तुम आते हैं तुम्हारे संग, कोई बात की नहीं, तुम्हारा भैया रहो, तुम रहोगी, कैसी बात कर रही हो? मेरे भाई को मत जाने देना ना, तुम्हारा भैया जाओ। और बताओ, वो आपकी बहुत सेवा करेगा। बिल्कुल, तुम्हारा भाई चलो, तुम रहो तुम चली जाओगी। मैं तो चली जाऊंगी, तुम चली बनना, फिर मैं धरती में रह क्या करूंगा, तुम्हारे घर तो मैं जी रहा हूँ। अब आप देख लीजिए क्या। चिंता मत करो, पापा से बात कर लूंगा मैं, बेहतरीन कर लेंगे ना। बिल्कुल, कई बात की चिंता मत करो, तुम आराम से रहो, अपने भैया को भी रहो, ठीक है? खूब रहो, एक साल दो साल चार साल जितो रहे, पढ़ना चाहे पढ़ा हुआ यहाँ पे। हाँ, मैं उसका एडमिशन कराना चाहती हूँ। बिल्कुल आराम से, जो भी समस्या हो मिलने बता दियो बस तुम, ठीक है? आप आ रहे हो या आप खाना बना दो? खाना बना लिया मैंने, आ जाइए। अरे पिताजी, राम राम। राम राम, राम राम, मेरी बात सुन रहे? ऐसा है, देख मैं सुन रही, तू बहुत तरफदारी ले तो बहू की। तरफदारी नहीं, मैं तुम्हारी भी शिकायत सुन के आ रहा हूँ। मेरी शिकायत सुन के आ रहा हूँ? भैया कहा, बहू कह रही तुम आगे भैया भगा रहे हो। भैया भगा रहा हूँ? सुने सुने, मेरी बात सुने, तो शर्म होनी चाहिए। बिल्कुल, वो भैया ना है। कौन है? अब हमें, मैं क्या बताऊँ, अपनी बहन से पूछ ले। मैं देखा था उसे, उनके चाल चलन अच्छे नहीं है, वो भाभी के ऐसे करके गले में हाथ डाल के खड़े थे। तो बहन भैया प्यारे, हम देश बोला खेलते हैं, तछड़ी वगैरह खेलते ना है, हाथ में मिला के। तो इतना तो भैया मैं जानती हूँ, मैं भी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हूँ। ऐसा है, तेरी बहन गलत नहीं है, ये वो घर में वो लड़का दिखाई ना देना चाहिए। पिताजी वो लड़का यहीं पे रहेगा। का वो लड़का यहीं पे रहेगा, अगर गुस्सा आ गई ना तो लड़का है और तेरी घर वाली है, गत्ते बाहर खड़ा कर दूंगा। तुम का चुना कर पाओगे, सब मेरे नाम है, तेरे नाम है माले में, मेरे नाम है जे। अभी तो पिताजी है, ऐसा तू जा अपने घर पे, सुने हम घेर पे रहेंगे तुझे, घेर पे कहीं भी रहे। मैंने कहा था ना पिताजी, चल 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 अपना काम कर, वो घर में रहना ना चाहिए, आया बेटा तू चले। चलो पिताजी। वो सही कह रहा हूँ लल्ली, वो अरे पिताजी मैं आपसे कह रही थी ना। राम राम, ताऊ काय की राम राम, काय की राम राम, हम कितने परेशान है तुम्हें तो पता है ना। कैसे मैं ऐसे रहे हो, बात क्या होगी, सीधे सीधे क्यों नहीं कह रहे? भाभी और उसका भाई, अच्छा परेशान कर रखा है हमको पिताजी को। क्या बताऊं बेटा, अब तो बस पूछ मत, तेरी बात अब एक एक बात नहीं आ रही, याद आ रही है, याद आएगी, रोगे भी तो फूट फूट के। तो अरे बेटा बस तू पूछ मत है? अरे हम तो इस बात को कह रहे हैं, सुनो हमने तो तुमसे तब भी कहा था कि उससे शादी मत करो, अगर तुम पढ़ी लिखी बहू से शादी करोगे तो वो तुम्हें ये पढ़ा रही, पढ़ा रही है। और सुनो आज तो मैंने वो बाहर देखे थे, मान घर में वही रहेगा या हम, ऐसा है सीधी बात है उसको मैं कह दूंगा, आज घर से कुछ निकलना चाहिए। वो कोई भैया भैया नहीं है, उसने मेरा मुंह पकड़ के जो बोल रहा था कि मैं इसका सेटर हूँ। अच्छा सेटिंग बाजी चल रही थी, चिंता में थाने में करवा दूंगा, चक्की पिसवा दूंगा, अरे पूरे घर खानदान है, टेंशन मत ले। तुम पे अभी तक तो कुछ बोला झंझना, बाद में क्या टुंटरी है वो करोगे, चिंता यही बात के बनाए रहे हमारे सामने। कुछ रह नहीं गया घर पे, कुछ नहीं रह गया, मैं सब ले आई, मैं गहने वहने सब ले आई। चलो अब जाके अपनी लाइफ सेटल कर लेंगे। चलो अरे कहां जा रहे हो, बोरिया पिस्तौल लेके? तुमसे मतलब हैं? तुमसे मतलब, तुमसे मतलब क्या लटका रखा है बाप, आगे बच्चा सा कुछ भी हो तुझे क्या करना है इससे, असमंग है। ए हाउ डेयर यू, हैं क्या क्या बोले, गाली दे रही है मुझे? हां गाली दे रही है, बता क्या करेगा? हां
हम भाग रहे हैं और हम दोनों भागकर शादी करेंगे। और सुन, ये अपना अगर गंदा मुंह अगर ज्यादा चला ना तो एक बात याद रखना कि मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ, जान ले लूंगा तेरी, और बोल मत दियो किसी के सामने। समझ गया ना? कैसी कैसी बातें कर रहे हैं यहाँ से? मतलब तुम मुखिया जी के बहू को भगा के ले जा रही हो? हाँ, बहू को भगा के नहीं, बहू खुद साथ में जा रही है। बहू खुद बच के जा रही है। निकल यहाँ से, निकल, जा रहा हूँ, भाजो। पिताजी, कहाँ है बेटा? गुड़िया कैसे हाँप रही है? पिताजी घर में कुछ भी नहीं है, सारी सब सफा करके ले गई भाभी और वो उसका आशिक। देखो गहने जेवर पैसे और तिजोरी का तो ताला खुला हुआ है। सब ले गई? सब कुछ उड़ा कर ले गई, मैंने तो पहले। चल बेटा जल्दी चल, चलो 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 पिताजी, चल बेटा चल। ओ तेरे मस्त मस्त। अरे राम राम दाऊ। राम राम। क्या बात? अरे अरे भैया यार, तेरे हमारी बहू और वो देखो छोरा बहुत कहो। बादल फट गए, चौंतरा बंद करो तुम्हारा। बादल फट गए, चौंतरा बंद करो। बिल्कुल जी। क्या होगा भैया? क्या हमारी हमारी बहू और वो जो आया का बहू का भैया, वो भैया ना सैया है, वो नाले नाले ले गो। कह रहे हो? और उसके आगे एक बैग लटक रहा था बच्चा जिसमें होता है, मतलब बच्चे के जैसा, और उसमें एक ऐसा छोटा था सामान रखो, पूरे कागज फागज सब पैसा। अरे परसों मैंने खेत लिखवाओ एक, ये सब खत्म। ताओ ऐसा पैर फटका। घनश्याम कहाँ है? घनश्याम, घनश्याम गोटी खेल लोगा, जाओ देखू वो गोटी खेल लोगा बाद। अरे भगवान, ओ भगवान, भगवान भगवान हल्ला काट रहा। अरे अरे पिताजी नमस्ते। अरे हराम खोर सवरो घर को जेवरात सबरे पैसा, परसों खेत लिखवा के आओ, वो पैसा 3,00,000 रुपया सब लेके वो और वो लड़का अटकाओ, दोनों चंपत है गए। और तू कह रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? मैंने तो पहले ही कहा था इससे भैया से। और तो हमने जो कही कि बाबू भगा दे ना, घर में रहो। अरे पिताजी वो तो है सुना वाली का कर दो भाई संग। का कर दो? हम तो सबरे लुट के नंगा है गए, तिजोरी के पैसे गहने पिताजी के कागज खेत के चुना है सब लेकर चंपक हो गए। जो हाथ में वो आता देख लो, अब तुमने सर पे चढ़ाई ऐसा ही होता है। सर पे का चढ़ाई पिताजी, मैं तो जेल आ लो बाद मुझे कही के मेरे भैया को भेजना चाह रहे हैं, कोई बात ना मेहमान है। तो मना करते जा रहे बेटा, अब जो ऐसा ही अब देख लो जो भगत को। अब भैया तुम देखो तुम्हारा काम देखे होगा पिताजी, तो बहुत बड़ा नुकसान। आज आपका चुनाव फिर तो नए सिरे से कहानी चालू करेंगे, तेल पुरानी बहू लेके आऊंगा। पुरानी बहू लेके आऊंगा, हमारी तो किस्मत ही फूटी हुई है।